अभी यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है, मुझे बेड शीट जो है ना वो चेंज करनी थी, पर अभी यहाँ पर मैंने देखा कि इसको एक दो दिन है ना पलट के बिछा देती हूँ, चल जाएगा काम, क्योंकि दो ऑलरेडी पहले से ही गिल्ली पड़ी हुई है और मुझसे अभी इतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा मुझे महसूस हो रही है। तो मैंने सोचा ऐसा करते हैं, इसको पलट देते हैं, दो दिन अभी चल जाएगी, एक दो दिन तो चली जाएगी पलट के ही, अन्नी वैसे तो मैंने सीधी डाल रखी थी, पर बच्चों में हो ही जाती है। मिट्टी हमारे घर में इतनी आती है, तुम क्या ही पूछोगे, बेड पर भी मिट्टी पाओगे, सारे दिन सकेर सकेर के दुखी हो जाओ बेड पे, कमरे में बुरा हाल हो जाए, मिट्टी का कितनी भी समेट लो फिर मिट्टी आ जाएगी, फिर स्थिति वही ख़राब हो जाएगी। तो इसको है ना अच्छे से बिछा देती हूँ, चारों कोने इसके दाब देती हूँ, और वैसे बिखरी बिखरी चादर है ना अजीब सी लगती है मुझे, जब तक दाब ना दे, पर मैंने यहाँ को नीचे को लटका दी, मैंने कहा छोड़ो ऐसे ही लटका दो, थोड़ा सा ना इधर से भी ढकर आएगा ये हिस्सा, ऊपर से ज़्यादा ज़रूरी होती है दाबनी। कुछ बड़ी बेड शीट है जो मतलब सही तरीके से, गद्दे छोटे मान लो कि गद्दे ही छोटे हो रहे हैं, बेड शीट बड़ी नहीं है, क्योंकि गद्दे जो है ना कट गए, तो इस वजह से गद्दे ही छोटे हो रहे हैं। अभी यहाँ पर ना इसको अच्छे से है ना सेट कर देती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना पिलो लगा देंगे हम, जो हमने ला रखे हैं वो पिलो भी लगा देते हैं। पर अभी जो है ना मैंने धुले थे कपड़े, जो कपड़े रात मैंने धुले थे वो मुझे सुखाने थे, मतलब रात में मैंने कपड़े धुले थे थोड़े से, वो सुखाने थे। कुछ जो है ना सुबह कुछ सोच रही हूँ कि अब मशीन चला लूँ, क्योंकि रात कपड़े धो के ना फिर मुझे घबराहट सी होगी, मेरी हालत ख़राब होगी, वो तो वोमिटिंग का मन हो गया एकदम, हद तो पैरों में कांपनी छूट गई, मुझे बहुत डांट लगी मेरे हस्बैंड से कि क्यों मतलब क्यों धोए कपड़े, मना नहीं करी थी क्या, कुछ ज़रूरी थे क्या धोने, मत धोती। मैंने कहा 6 दिन के हो रखे थे, धोती ना तो काम कैसे चलता। और यहाँ पे अभी है ना कायरव ने कपड़े निकलवाए, उसको नहाना है कि मैं नहा लूँ मम्मी, मैंने कहा नहा लो चलो ठीक है, नहा दो के अपना ना बैठ जाओ अंदर आराम से, एक बारी नहा लो, बारी बारी नहाना ना ठीक नहीं लगता, तो नहा दो के बैठोगे अच्छा है, मेरा भी काम निपटेगा, और मुझसे अभी इतना काम नहीं होता, जो कोई फैला हुआ है ना मुझे बुरा लगा, क्योंकि जब आदमी पर होता नहीं तो उसे भारी दिखाई दे रहा है, एक काम भी पड़ा हुआ, मगर तुम्हें ना थोड़ा कम काम फैलाया करो भाई। आजकल मेरी बेटी मेरी मम्मी बन रही है, नाश्ता करने से पहले लो, मेरी बेटी मेरी मम्मी बहुत टाइम से दवाई देवे, मेरी अवनी मेरी अवनी मेरी एक भी दवाई नहीं बोलती, रात ऐसा हुआ मुझे घबराहट हो रही थी तो उसमें घबराहट की गोली थी, मैंने थोड़ा सा काम कर दिया था कपड़े धो दिए थे तो मुझे दिक्कत होगी, फिर बहुत घबराहट बन गई, हालत खराब हो गई, तो पाओगे जान से लेकर आज उठा भी नहीं जा रहा, फिर ऐसा ही हो रहा है, एक आधा काम करना पड़ा, तो इसमें से एक भी गोली जो खत्म हुई हो, इसने वो गोली दी मुझे घबराहट की, फेस की आंख लग गई, नहीं तो ये मेरी खुराक नहीं भूलती, मैं ना खाऊं जो टाइम से पहले दवाई दे दी, तो पूरा ध्यान रखे मेरी दवाई, उन्होंने कहा मम्मी फिर आप ठीक तो हो जाओगे, रात मेरी आंखी क्या लग गई, मम्मी ने गोली नहीं दी तो खुराक थी, देख लो कितना ध्यान रखे। यहाँ पे अभी कढ़ाई में घी डाल दिया, मखाने डाल दिए, थोड़े से हम इसमें डाल देंगे काजू, और मुनाखा जो है ना वो ख़त्म हो गई थी, एक दो ही बची थी, एक ही मुनाखा थी वही मैंने डाल दी है, किसमें से डाली है अब, जब मुनाखा तो थोड़ी सी थी, काजू हैं अभी थोड़े से, और मखाने हैं जो मतलब मैं भून के घी में चाय की या दूध के साथ ले लेती हूँ, थोड़े बहुत कमज़ोरी की वजह से थोड़ा, जिससे ना शरीर में जान पड़ जाए, उठने चलने फिरने लगूँ, पर यहाँ पर आज मैं खाने के लिए नहीं भून रही थी, यहाँ पर भून रही थी मैं हलवे के लिए, क्योंकि मुझे बनाना है सूजी का हलवा, मेरा मन हो रहा था खाने का, और गोपाल जी को भी भोग लग जाएगा, हम भी खा लेंगे, बच्चे भी खा लेंगे, तो यहाँ पे अभी भर लेते हैं कैंपर में पानी, दरअसल क्या है ना कैंपर भर लेते हैं रोज़ की रोज़ भी भर लेते हैं, दो दिन में एक दिन में मतलब अगले दिन भी भर लेते हैं या फिर दो दिन में भी भर लेते हैं, क्योंकि कैंपर के पानी का कुछ बिगड़ता ही नहीं है ना, छोड़ देते हैं पर दिन में है ना सारा भरता जाता है, क्योंकि बच्चे पीते हैं और बच्चे कह रहे बाबू है ना हैंड वॉश करने में लगे रहते हैं बस। हेलो जी, राम राम जी सपने मेरी, राम राम, कैसे हो आप सभी, उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे, मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज चेंज हो रही होगी, क्योंकि मुझे हो रहा है जुकाम, उसकी वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज हो रही है, और ब्लॉग हमने सुबह ही चला दिया था, थोड़ा बहुत काम मैं कर रही हूँ अभी, ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ, तो अपना छोटा मोटा काम कर लेती हूँ, थोड़े से कपड़े रात धोए थे थोड़े से अब धुल दिए, सुखाने वाली मशीन जो है ना वो ख़राब होगी, तो धोने वाली मैं धो के और झकोड़ झकोड़ के फुला दिए, जितने सूख गए मतलब धोगे वो अंदर बेड पर रख दिए, और कुछ अभी बाकी हैं मतलब जो अभी फैलाए हैं शाम तक सूखेंगे या कल सुबह तक सूखेंगे, कल सुबह तक ही मानो क्योंकि अभी फैलाए हैं, और कुछ हमारे जो है ना सूख चुके हैं,
तो उनमें से जो प्रेस के हैं वो अलग निकाल लेंगे, जो बिना प्रेस के हैं उनकी तह बना कर रख देंगे। अलमारी में बच्चों कपड़े भी उलट पुलट हो रहे, वे भी सही करने हैं, मेरे तो सही रखे हुए हैं। थोड़ा सा काम है ना सेप में करना है, मतलब कहने का ये है, पर वही है ना टाइम, जैसा हिसाब देखेंगे वैसा ही काम कर लेंगे। और फिर आप लोगों के साथ में एक चीज़ और शेयर करनी है, आज उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। और मेरे लिए भिजवाया किसने, बहुत बेस कीमती गिफ्ट, और उम्मीद है आप लोगों को गिफ्ट पसंद आएगा, बड़ा ही प्यारा है, मुझे तो बहुत प्यार लग रहा। पर वो आपको मतलब वो करके दिखा है, काले सफ़ेद की जोड़ी, सफ़ेद काला है ना, तो आप लोगों को दिखाएंगे उसको डाल के। और इतना तो आप समझ सकते हो, जब डाल के बोला है तो कुछ पहनने का ही होगा, पर ब्लॉग में दिखेगा आगे आप लोगों को है क्या। उम्मीद है आप लोगों को पसंद भी आएगी वो चीज़। मेरी तबीयत ख़राब हुई है ना, तब से मैं बहुत ज़्यादा, मेरा रंग भी काला हो गया और मैं हार भी बहुत ज़्यादा गई हूँ, एकदम रंग पे ऐसे पोता सा फिर क्या, शीशे में देख के इतनी काली हो गई, हालत ख़राब हो गई। एक महीने की, एक डेढ़ महीने की बीमारी ने इस तरह की हालत बना दी मेरी बहुत बुरी तरीके की, कि मैं अभी अपने आप को भी नहीं पहचान पा रही हूँ, लगता नहीं है कि मैं हूँ, मैं खुद हूँ, ऐसी हालत हो रखी। तीसरे पहर का टाइम हो गया है और अभी अब नहीं पी रही है चाय, मैं भी पी रही थी पर वो है ना चाय बनवाई मैंने उससे ही, तो वही बना के लाई, पर उसमें मीठा ज़्यादा लग रहा था, मैंने कहा मीठा आज बहुत डाल रखा है बेटे, रहने दो बस, ना तो तुम्हारी रही ना हमारी रही, हम क्या करेंगे इसको पी के, तुम एक काम करो इसको अंदर रख दो, इसको दूध डाल के ले आऊँगी मैं। नेक्स्ट डे हो गया और आज है रक्षाबंधन, तो हमारा ब्लॉग ऐसा ही बन पा रहा है, एक दिन में दो दिन में एक वीडियो शूट हो रही है, सॉरी। तो यहाँ पे अवनी जो है ना अपने भाई को बांध रही है राखी, रक्षाबंधन पे राखी बांधी जा रही है, अवनी कायरव को बांध रही है और साथ के साथ जो है ना गोपाल जी को भी बांध रही है। तो कैसे लग रहे हैं हमारे माधव, कमेंट करके बताना, आप लोगों को दिखाएंगे अभी, क्योंकि आज रक्षाबंधन है तो वो भी अपना तैयार होकर बैठे हुए हैं भाई राखी बंधवाने के लिए। देखो मैं तो बेटा भी बोल देती हूँ, भाई भी बोल देती हूँ, पर अपनी भाई मानती है तो वो राखी बांध देती है। भगवान जी भी है, हट जाती क्या, भगवान जी भी है तो यहाँ पर लड्डू लेकर आई थी, तो उसको ऐसे सारी की ले ले खा ले फिर कह रही मैं खा लूँ, अपने मुंह में डालने के लिए बोल रही थी, मैंने कहा दे दे नहीं ऐसे करा, फिर भी खा लिया थोड़ा सा। बहन भाइयों का यही तो प्यार होता है, बचपन में ना बहुत प्यार करते हैं बहन भाई एक दूसरे को, बड़े होने के बाद में सब बदल जाता है, पहले जैसा प्यार पहले जैसा लगाव मुश्किल रहता है, कम रहता है, कम हो जाता है, मैंने देखी है ये चीज़ सच में ही कम हो जाता है, फिर वो बात नहीं रहती, वो प्यार वो लगाव नहीं रहता बिल्कुल भी जो पहले रहता है, फिर सब बदल जाते हैं। तो चलिए गोपाल जी को भी बांध देते हैं राखी, और बस इनसे तो यही दुआ है कि वो आशीर्वाद दे, अपना प्यार साथ हमारे सर पर, मेरे बच्चों के सर पर बनाए रखे। ये देखो कायरव को, कायरव की बुआ जी ने राखी बांध दिया है, कायरव की बिजली बुआ जी आ रही थी, उन्होंने कायरव को राखी बांध दिया, गणेश जी की, और भाई अग्नि को ये बांध दी, ओम की, और ये भाई इसकी मोटी बुआ नहीं है, इनने अपनी मोटी बुआ के नाम की बांध दी बिचारी ने, जो आज हमारे बीच राखी मुझे बांध दी है दीदी ने, ओम वाली यहाँ पर है ना, जो हमारी जो पीछे वाली दीदी है वो आई थी और राखी बांध के गई है। तो भाई जो भी बनता है नंद को अपनी तरफ से, जो भी हम पे बने हम इतने बड़े वो तो हैं, दे दे अपना नेक। और कान्हा जी को भी बांधी थी अवनी ने, और एक दीदी जो है वो हमारी हमारे बीच नहीं रही, यानी हर साल मैं उनसे राखी बंधवान जाऊँगी, मतलब राजवर्ती बोल के रहा इसमें, हाँ हर साल मैं उनसे राखी बंधवान जाऊँगी, पर दो साल से हमारे में गुस्सा नाराजगी सी चल रही थी बस, और फिर भी रक्षाबंधन पर तो मैं जाऊँगी। फिर जब वे गुजरी ऐसा टाइम था, उस टाइम मेरी दो तीन जाड़ पट रही थी, मेरी हालत ख़राब थी, मैं उनका अंतिम दर्शन भी ना करना पाई, वो आज हमारे बीच में बहुत, मतलब मेरा उनका इतना मेल था बहुत, और मेरे हस्बैंड तो उनकी इतनी वो कर रहे थे, जो एक फ़ोन कर दिया ना कि भाई अभी आना, तो गैल फोन चाहते जो कुछ भी बनाए थे, गैल फोन कर रहे थे भाई बना रखा जा, मतलब कुल मिला कर बहुत अच्छी थी। अब वो नहीं है हमारे बीच, तो याद तो आवा, देखो भाई तीज त्यौहार पर अपनी बहन अपनी माँ सबको याद आवा, मुझे भी याद आवा, क्योंकि मेरा उनसे एक दिल का अटैचमेंट था, एक दोस्त की तरह, नंद भाभी नहीं एक दोस्त की तरह, एक बहन की तरह व्यवहार था, और वो यह समय के आगे भगवान के आगे किसी की चलती नहीं है, बहुत थोड़ी उम्र में ही मतलब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ऐसे भी बहन ना बेचारी जो बैठी जाए राखी लेकर भाई आवेंगे,
भाई आते ही नहीं। और मेरी वो मेरे बहुत लाड़ कर रहती है, जब जो तुमने वहाँ रखे ना पैसे मैं उनसे जीते लूँ। नहीं कह रहा है ना, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसे भगवान बहुत जल्दी करके अपने पास बुला लाए। और कहीं भाई हो तो वो भी बहन रात के लिए बैठी भाई का इंतजार कर रही, भाई आएगा, भाई आते ही नहीं। भाई आजकल अपनी दुनिया में मगर रहने लगे। कोई नहीं भाई, ये दुनिया है, सब तरह की दुनिया है। एक वक्त था हम सब कोई एक दूसरे के लिए खास रहना है, फिर एक वक्त हो कि हम सब एक दूसरे की आँखों में किरकन न गए, काटे हो जाएं आँखों के, फिर इतने बैर हो जाएं, क्या तो इतने प्रेम हो जाए, फिर क्या इतने बैर हो जाएं, बहुत ऐसे हो जाए। रिश्तों में दूरी ठीक है, दूर रहेगा तो बैर ही होगा, इतने दूर उतने अच्छे। ठीक है भाई, निकल गया रक्षाबंधन का दिन भी, 3:30 बज गए। थोड़ी सी देर मेरी मोटी बहुती मेरे बहुत लाड़ कराती है, मैं उन्हें याद करूँ और मेरी भी आवे थे मेरे लिए कुछ ना कुछ।